हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बचे हुए सूट के कपड़े से ये सुंदर सी ड्रेस का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने देखिए सूट अपना बनाया था जिसका लगभग आधा मीटर कपड़ा बचा है सिर्फ। आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा ही कपड़ा है, तो इससे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। आप भी अगर अपना कोई सूट बनाते होंगे तो अगर आपका मीडियम साइज है तो आपका भी कपड़ा लगभग इतना बच जाता होगा जिसका आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बेबी 6 मंथ से 2 ईयर तक का है तो आप इसे एज अ फ्रॉक बना सकते हैं, और अगर आपके बेबी का साइज़ 4, 5 या 6 ईयर का है तो आप एज अ टॉप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने इसे 4 से 5 साल बच्चे के लिए बनाया है तो इसे हम टॉप की तरह यूज़ करेंगे। इसके नीचे कोई भी शॉर्ट्स, लेगी, कैपरी कुछ भी पहनाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वेस्ट फैब्रिक का बहुत अच्छा यूज़ है ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये मेरी कुर्ती का फैब्रिक है। आपको मैं पहले फैब्रिक दिखा देती हूँ कि कितना सा फैब्रिक बचा था। और ये सलवार का फैब्रिक है, बहुत थोड़ा सा पीस बचा है ये, तो हम इसका भी यूज़ कर लेंगे। ये साड़ी की लेस थी जिसमें मैंने ऊपर से ये अलग से लेस लगा दी है, तो ये काफ़ी सुंदर लगने लगी है अब। तो हम सिर्फ इन 3 चीज़ों का यूज़ करके ही बनाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुर्ती का कपड़ा लिया है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास इतना सा ही कपड़ा है। मैं आपको इसका मेज़रमेंट भी बता देती हूँ कितना फैब्रिक है। लेंथ है 29.5 इंच और विड्थ है 28 इंच। हमारे पास ये पूरा हाफ मीटर भी फैब्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है जैसा कि आपने देखा फोटो में। पहले इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, अब इसे यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से कट कर दें। अब एक लेयर फ्रंट में लग जाएगी और एक बैक में। नीचे से कपड़ा बिल्कुल पतला सा मार्जिन लेते हुए फोल्ड कर देंगे। दोनों लेयर में नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इन्हें बिल्कुल बराबर से रखा है। सेंटर से फोल्ड करें, 2 इंच पे निशान लगाएं और फ्रेंड्स डेप्थ के लिए 2 इंच पे ना लगा के आप सिर्फ 1/2 इंच पे लगाएं, वरना आर्म होल बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप दें, इस पे कटिंग करें। अब इसमें से एक लेयर लें, फैब्रिक के सिंगल लेयर पे ऊपर की तरफ बड़ी स्ट्रेट ऐसी सिलाई लगाएं। अब इसमें से एक धागे को खींचे, ऐसी गैदर बनाएं। इस तरह से गैदर पूरे में डाल दी है, अभी इसे साइड कर दें। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें मेजरमेंट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज का मेजरमेंट अपने आप निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आप सारे स्टेप को फॉलो करें और वीडियो शुरू से एंड तक देखें। इस साइज में हम नेक की विड्थ रखते 3 इंच। आपने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी तो हम हमेशा ऐसे डबल में निशान लगाते हैं। जब फैब्रिक ऐसे डबल में होता है तो हम निशान लगाते हैं नेक की विड्थ का। तो इसका 3 का डबल हुआ 6 इंच, जिसमें हम 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो टोटल विड्थ हो गई 6.5 इंच। ये हमने नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग निकाली है। तो एक साइड से 6.5 पे निशान लगाया, इसे कट कर दें। अब इसी के बराबर एक और पट्टी निकाल लें। अब देखिए जितनी इसकी विड्थ है, तो हमने जो ये गैदर बनाई है इसकी लेंथ इसी वाली लेस के अकॉर्डिंग रखनी है। यहां से देखिए बिल्कुल इसके बराबर है, तो आपको इसी तरह से गैदर बनानी है। अब ये वाली लेस यहाँ से 1/2 इंच नीचे के लिए रखें, ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन सीम अलाउंस में दबा दें और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाएं। अब हमारे पास अलग से एक और टुकड़ा पड़ा था, इस टुकड़े से हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे। ये मैंने 2 क्रॉस पट्टी ले ली हैं। अब पहले हम इसी की तरह इसकी दूसरी लेयर भी तैयार करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इस लेयर को भी तैयार कर लिया है। ये वाली लेयर इसके ऊपर उल्टी रखें, साइड से मिलाते हुए सिलाई लगा दें। दोनों तरफ से सेम सिलाई लगा ली है। अब आपको क्रॉस पट्टी लेनी है जो हमने कट करी,
इसकी विड्थ है 1 इंच। ये हमारे टॉप का उल्टा साइड है। क्रॉस पट्टी को आप सीधी तरफ से रखें, ऊपर की तरफ से थोड़ा मार्जिन निकाल दें सीम अलाउंस के लिए, और क्रॉस पट्टी को खींचेंगे। ये वाला हिस्सा नहीं खींचना है, सिर्फ क्रॉस पट्टी खींचनी है और ऐसे बराबर मिलाते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे में अटैच कर दी है पट्टी, इधर से भी ऊपर के लिए थोड़ा सा मार्जिन निकाल दिया है। और इसमें देखिए हमने सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन सीम अलाउंस के लिए लिया है। स्टार्टिंग में हमने 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड किया था ये वाली पट्टी पर, तो इसीलिए ऐड किया था 2 पॉइंट इधर से और 2 पॉइंट दूसरी साइड से, तो टोटल हो गया 1/2 इंच, इसीलिए 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया था। तो आप सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन लेके ही सिलाई लगाएं। अब सीधी तरफ से ये वाला कपड़ा बराबर करें ऐसे, फिर ये वाला जो कपड़ा हमने लिया है इसे नीचे के लिए पलट दें, फिर इसे एक बार अंदर के लिए फोल्ड करें इस तरह से, फिर जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से अंदर के लिए पलट दें। बिल्कुल फिनिशिंग से पलट देना है और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बराबर में सिलाई लगानी है और पट्टी पीछे की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग से फोल्ड हो गई है ऐसे। सेम ऐसे ही दूसरा आर्म होल भी फोल्ड कर लेना है। अब हमने यहाँ पे दूसरा फैब्रिक लिया है जो मैंने आपको पैंट का बताया था, इसे हम सेंटर से फोल्ड करें। एक बार सेंटर से फोल्ड किया, फिर इसे एक बार और फोल्ड कर दें। यहाँ पे देखिए हमें लगभग 3 इंच चौड़ी इसकी विड्थ मिल रही है, तो हम ऐसे ही इसको कट कर देंगे सीधा। ये हमारे पास 2 पट्टी हो गई, इसको भी सेंटर से कट कर देंगे, और ये 2 पट्टी हो गई। तो एक लंबी पट्टी और एक ये वाली पट्टी अटैच कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसकी दूसरी पट्टी भी बना ली है। अब सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ पे ऐसे गोलाई देंगे, हल्की सी गोलाई देनी है। अब इस पे कट करें। अब इधर की तरफ से जिधर से हमने देखिए फुल लेंथ रखी है, उधर से हम वैसे ही गैदर बनाएंगे जैसे हमने आपको ये वाली गैदर डालना बताया। सेम ऐसे ही गैदर यहाँ पे डालेंगे और इधर जो हमने गोलाई में कटिंग करी है इस तरफ से ओवरलॉक कर देंगे। दोनों फ्रिल ऐसे तैयार कर ली हैं और इसकी लेंथ मैंने 10 इंच तैयार रखी है। इस फ्रिल को हम यहाँ से अटैच करेंगे जहाँ से लेस लगी है, तो यहाँ तक इसकी लेंथ 2 इंच है। 2 इंच इसकी लेंथ ली है और हमने नेक की 1/2 विड्थ निकाली थी 3 इंच, तो 3 इंच ही हम यहाँ से स्ट्रैप की भी लेंथ रखेंगे। तो 2 इंच इसकी लेंथ हो गई और 3 इंच स्ट्रैप की लेंथ हो गई, तो टोटल हो गई 5 इंच। इसका डबल करेंगे हो जाएगा 10 इंच, तो इसीलिए इसकी लेंथ 10 इंच है। अब हमारे पास जो ये बाकी की लेस बची थी इसे लेंगे। इसमें देखिए 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए दबा देंगे, इतना मार्जिन सीम अलाउंस के लिए दबा देंगे और इस लेस को यहाँ से ऐसे रखें, ऐसे दबाते हुए रखेंगे और इसी के ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी लेस अटैच हो गई है। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे यहाँ तक। ये इसका सेंटर है, तो इसे हम सेंटर से पहले कट कर देते हैं। सेंटर से पूरा कट करेंगे, इस पट्टी को दूसरी में अटैच करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन अंदर के लिए फोल्ड कर दें, फिर इसे एक बार और फोल्ड कर लें। इस तरह से फोल्ड कर लिया, अब साइड से हेमिंग कर देंगे, मतलब इसमें तुरपाई कर देंगे, तो जिससे ये वाली पट्टी ऐसे बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों ही फ्रिल ऐसे तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट से भी इसमें फिनिशिंग आई है और बैक से भी फिनिशिंग आई है, कोई भी फाइबर्स नहीं दिख रहे हैं। अब इसे यहाँ से ऐसे रखें, जो हमने लेस अटैच करी है वहाँ से रखना है, और यहाँ पे जो हमने देखिए पलटते हुए सिलाई लगाई थी पट्टी को, इसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लॉक कर देंगे और इसको यहाँ तक अटैच करनी है पहले, फिर सेम ऐसे ही इसके बैक साइड में भी ऐसे घुमा देनी है और यहाँ से ऐसे रखते हुए इसको अटैच कर देना है। दोनों तरफ सेम फ्रिल अटैच कर ली है और जिससे हमने क्रॉस पट्टी निकाली
उसमें से ही थोड़ा सा पीस कट कर लिया है पॉकेट के लिए। इसकी विड्थ भी 4 इंच है और लेंथ 4.5 इंच है। फिर हमने वाइट वाली लेस ली है। यहाँ से कपड़ा 1/2 इंच नीचे के लिए फोल्ड करें और लेस को ऐसे रखते हुए अटैच कर दें। इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगाएं। ऐसे फोल्ड करके अच्छे से दबा दें कपड़ा। फिर अंदाजे से ही पॉकेट को यहाँ पे ऐसे रखें। अंदाजे से पॉकेट रख लें और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाते हुए पॉकेट को अटैच कर दें। ऊपर की तरफ सिलाई को लॉक कर देंगे जिससे पॉकेट फिक्स रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से और इसी के बराबर इसकी दूसरी पॉकेट इधर के लिए अटैच करेंगे। और अब ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत थोड़े से कपड़े में हमने कितना अच्छा डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।